हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। तो एज के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर जानेंगे। तो यहाँ पर जो एज ग्रुप है वो न्यू बॉर्न से लेकर के, न्यू बॉर्न यानी कि जब बेबी 1 मंथ का होता है, से लेकर के अबव 60 ईयर, यानी कि अगर किसी पर्सन की 60 साल है या फिर 60 साल से ज़्यादा है, तो सभी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो सभी हम इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर एज ग्रुप लिखा है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो जो ब्लड प्रेशर होगा वो हमारा MMHg में होगा, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एज ग्रुप आता है न्यू बॉर्न, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी जो होंगे, जो 1 मंथ तक के जो बेबी होते हैं उन्हें हम न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। तो उनका जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 60 से 90 के बीच में रह सकता है, 60 रह सकता है, 70 रह सकता है, 80 या फिर 90 भी रह सकता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर होगा 20 से लेकर के 60 के बीच में, यानी कि 20 हो सकता है, 30, 40, 50 या फिर 60 भी डायस्टोलिक प्रेशर रह सकता है। तो 60 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक रहेगा 20 से लेकर के 60 के बीच में। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है हमारा इन्फेंट, जो 1 साल के जो बच्चे होते हैं वो हमारे आते हैं इन्फेंट एज ग्रुप में आते हैं। उनका डायस्टोलिक प्रेशर होगा 87 से लेकर के 105 तक, यानी कि 105 तक ब्लड प्रेशर उनका रह सकता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक प्रेशर होगा इनका 53 से लेकर 66 तक। तो ये होगा इन्फेंट का ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उसके बाद एज ग्रुप आता है हमारा टोटलर, 3 ईयर तक के जो बच्चे होंगे टोटलर एज में आएंगे, और उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 95 से लेकर के 105 तक उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। और डायस्टोलिक प्रेशर हो सकता है उनका 53 से लेकर के 66 MMHg। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है हमारा चाइल्ड। चाइल्ड का नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो होगा 97 से लेकर के 112 MMHg रह सकता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा इनका 56 से लेकर के 70 MMHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रह सकता है। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है हमारा अडोल्सेंस। अडोल्सेंस का जो ब्लड प्रेशर होगा नॉर्मल रेंज रहेगी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की 112 से लेकर के 128, ठीक है, 112 से लेकर के 128 तक नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा। और डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा इसमें 66 से लेकर के 80 तक जो है डायस्टोलिक प्रेशर रह सकता है। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है हमारा अडल्ट। अडल्ट का जो एज ग्रुप होगा, जो 18 से ऊपर के लोग होंगे, उनका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा इनका 122 से लेकर 124 MMHg के बीच में रह सकता है, और डायस्टोलिक रह सकता है 74 से लेकर के 77, यानी कि 74 से लेकर के 70 के बीच में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रह सकता है। नेक्स्ट एज ग्रुप आएगा हमारा अबव 60 ईयर, जिनकी एज 60 साल है या फिर 59 है, 40 है, ठीक है, या 50 है, 40 है, 60 है या 70 है, यानी कि 60 साल के ऊपर के जो पर्सन होंगे उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 133 से लेकर के 139 के बीच में रह सकता है, 133 139 के बीच में रह सकता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है उनका 68 से लेकर के 69 तक रह सकता है। तो ये नॉर्मल रेंज रहेगी एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर चार्ट फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो मैन और वुमेन का ब्लड प्रेशर जो है वो डिफरेंट रहता है, यहाँ पर सेम नहीं रहता है। तो एवरेज ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पर 18 अबव 18 ईयर्स के, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो मेल और फीमेल होते हैं उनका ब्लड प्रेशर की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो जो 18 साल से ऊपर मैन होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं, जो जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो रहेगा 119 से लेकर 133, 119 से लेकर 133 के बीच में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर MMHg में रहेगा। और डायस्टोलिक रहेगा 69 से लेकर के 70 के बीच में नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक प्रेशर की रहती है। और वुमेन की बात करते हैं, वुमेन का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो 110 से लेकर के 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, और डायस्टोलिक जो है वो 68 या फिर 70 भी हो सकता है नॉर्मल रेंज। तो ये ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर चार्ट है, एज के अकॉर्डिंग भी हमने डिस्कस किया है, और अडल्ट मैन एंड वुमेन दोनों का हमने यहाँ पर बात की है। तो सभी एज ग्रुप इसके अंडर आ जाते हैं। तो नॉर्मल रेंज हमने यहाँ पर एवरेज रेंज जो देखी है हमने, ठीक है, इसी रेंज में रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।